अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे प्यारे व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ स्पेशल डेजर्ट, मैलेट्स की खीर, यानी क्योनी की फिरनी से क्योनी या कंगनी भी कहा जाता है। बिहार में ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है इसकी फिरनी, तो इस ईद पर मैं बना रही हूँ क्योनी की फिरनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप भी ट्राई करें, टेस्ट इसका तो लाजवाब होता है और इसके बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ। इसके लिए मैंने क्या लिया आपको बता देते हैं। इसके लिए मैंने मिलेट यानी कि क्योनी लिया है 1/4 कप, चीनी 1/4 कप, ड्राई फ्रूट्स में लिया है बादाम, अखरोट और किशमिश। आप इसमें काजू, चिरौंजी भी डाल सकते हैं। इलायची, 2 इलायची मैंने लिया है फ्लेवर के लिए। आप इलायची पाउडर भी इसकी जगह पर डाल सकते हैं। कुछ केसर के धागे यानी सेफ्रन के धागे और घी 4 टेबल स्पून। केसर को मैंने यानी सेफ्रन को मैंने गर्म दूध में डाल दिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्रश कर लिया। आप साबित भी काट दे या बारीक काट के भी दे सकते हैं। क्योनी यानी जो मैलेट है उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तो आप इसे वॉश कर लें। 1 लीटर मैंने दूध दिया उसको लिया है, उसको बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया। दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ा देर तक उसको अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें घी डाला है 2 टेबल स्पून और उसमें ड्राई फ्रूट्स जो मैंने क्रश किया है, आप उसे बारीक काट भी सकते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से खुशबू आ रही है तो इसको साइड कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये फिरनी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये फॉक्सटेल जो मिलेट है वो एशिया में पाया जाता है। हमारे बिहार में इसकी फिरनी बहुत शौक से लोग खाते हैं। इसके बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स हैं। इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप डाइट पे हैं तो ये खाएँ और चीनी की जगह पर उसमें गुड़ मिला दें। तो अब मैं क्योनी को भी फ्राई कर ले रही हूँ घी में। 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। फ्राई करके साइड कर लेते हैं। दूध भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया, रिड्यूस होकर आधा से थोड़ा ज़्यादा रह गया है। तो अब इसमें मैं मिला दे रही हूँ जो मैंने क्योनी ली थी यानी मिलेट। हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता। बस इसी पर मैं बना रही हूँ क्योनी की फिरनी अपने व्यूअर्स के साथ। रेसिपी शेयर की आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर दिया है और फ्लेम को लो कर दिया। 10 से 15 मिनट के लिए इसे कुक करना है कि ताकि जो क्योनी है वो अच्छी तरह से गल जाए। जिस तरह से फिरनी बनाते हैं चावल की, उसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दे रही हूँ चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से चला लिया है ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा इसका टेक्सचर और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये फिरनी तैयार हो गई। यहाँ पर मैं केसर वाला दूध ऐड कर दे रही हूँ। व्यूअर्स, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये मिलेट्स है बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप डाइट पे हैं तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ रमज़ान में सेहरी में भी ये बनाया जाता है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये खीर तैयार हो गया है। तो इसे ठंडा करके सर्व करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपना फीडबैक दें और बताइए कि आपके यहाँ क्योंकि फिरनी यानी मिलेट की फिरनी बनाई जाती है या नहीं। अगर आपके यहाँ नहीं बनाई जाती है और आपके यहाँ मिलता है ये किसी भी किराना स्टोर में, अंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगी। तो तैयार हो गया है, इसे मैं अब सर्व कर ले रही हूँ और इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं और ठंडा ठंडा इसे सर्व करते हैं। तो इस ईद पर अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई करें, आप ऐसे भी बना सकते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।